दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा T20I मुकाबला समाप्त हो चुका है और दूसरे T20I मुकाबले को 5 विकेटों से वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत लिया, लेकिन एक मोड़ पर लगभग 99% ये मुकाबला जीत चुकी थी भारतीय टीम। 219 ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला था, जो कि ऐसा ओवर था मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया था। ये एक ओवर 219 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे अर्शदीप सिंह ने, 6 की 6 गेंदें यॉर्कर रखी थी, जिस गलती वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। वैसे वक्त पर रोहित शर्मा की गलती उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। दोस्तों हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने मिलकर फैसला किया कि आवेश खान को आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए देंगे, जबकि भारतीय टीम के पास गेंदबाजों में 2 ओवर भुवनेश्वर कुमार के थे, 1 ओवर जाडेजा का बाकी था। भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी ना देते हुए आवेश खान पर भरोसा दिखाया रोहित शर्मा ने। आवेश खान ने ओवर की जैसे ही पहली गेंद रखी तो इस पहली गेंद पर तो सिंगल आ गया, लेकिन उसके ठीक बाद अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और यहीं से कहानी पूरी मुकाबले की बदल गई। दोस्तों जैसे ही आवेश खान ने नो बॉल डाला, रोहित शर्मा बुरी तरह से पड़ा उठे और उनके बगल में खड़े थे हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा ने कहा कि आप अगर बाउंसर डालेंगे तो मैं साहब की फील्ड लगाऊंगा, लेकिन उसके अपोजिट करते हुए शॉर्ट गेंद रखी आवेश खान ने और ओडियन थॉमस ने बड़ा शॉट खेला और इसी गेंद पर चला गया छक्का और यहीं पर 99% जीता हुआ मुकाबला भारतीय टीम हार गई, क्योंकि सिर्फ अब 2 रन चाहिए थे और अभी गेंद 4 से ज्यादा थी। दोस्तों रोहित शर्मा अंत तक उम्मीद ना हारते हुए एक और बार फील्डिंग सेट कर रहे थे आवेश खान की गेंदबाजी के अनुसार, लेकिन एक और बार गलत गेंदबाजी की आवेश खान ने शॉर्ट गेंद रखी। इस गेंद को भी डिवियन थॉमस ने बाउंड्री की ओर पहुंचा दिया और एक आसान जीत हासिल कर ली वेस्ट इंडीज ने। दोस्तों आवेश खान को गेंदबाजी देकर सबसे बड़ी गलती की रोहित शर्मा ने इस मुकाबले की। आखिरी 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी, अगर भुवनेश्वर कुमार होते तो शायद कुछ कर सकते। दोस्तों मैच आने के बाद आवेश खान की तरफ देख भी नहीं रहे थे रोहित शर्मा। दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी ब्रेंडन किंग ने। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इस साल वर्ल्ड कप जीत पाएंगे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा T20I मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 130 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब वेस्ट इंडीज को यह मुकाबला आखिरी ओवर में लेकर जाना पड़ा और आखिरी 6 गेंदों पर वेस्ट इंडीज को मुकाबला जीतने के लिए 10 रन लगाने थे। वैसे वक्त पर गेंदबाजी दी हमारे रोहित शर्मा ने आवेश खान को। आखिरी 6 गेंदों पर वेस्ट इंडीज को 10 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे ओडियन स्मिथ, गेंदबाज से आवेश खान, नॉन स्ट्राइक पर थे डिवियन थॉमस। पहली गेंद जैसे ही डाली आवेश खान ने यॉर्कर, तो सामने की तरफ खेल दी हमारे ओडियन स्मिथ ने और गेंद सामने की तरफ गई और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आ गया। 200 सिंगल आने के बाद स्ट्राइक पर सेट बल्लेबाज डिवियन थॉमस आ गए और 5 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी वेस्ट इंडीज को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाया आवेश खान की इस गेंद ने। 200 अंपायर ने अचानक इशारा किया नो बॉल का, क्योंकि आवेश खान का पैर थोड़ा सा आगे निकल चुका था क्रीज से, जिसके चलते अंपायर ने गौर किया और इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया, जिसके चलते एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद भी मिली वेस्ट इंडीज की टीम को। दोस्तों रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए आवेश खान की इस गेंद पर। 205 गेंदों पर 9 रनों की दरकार नहीं थी, 6 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी वेस्ट इंडीज को नो बॉल के चलते। उसकी अगली गेंद पर नो बॉल का भरपूर फायदा उठाते बड़ा शॉट लगाया डिवियन थॉमस ने और गेंद गई छक्के की ओर, जिसे देख रोहित शर्मा मैदान पर गुस्से से लाल होकर रह गए, क्योंकि यहीं पर भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला छूट गया, क्योंकि 2 रन चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को, वो भी 5 गेंदों में। उसकी अगली गेंद जैसे ही सामने की तरफ रखी आवेश खान ने, शॉट लगाकर डिवियन थॉमस ने इस गेंद को तेजी से पहुंचाया चौके की ओर और एक बेहतरीन थ्रिलर मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, डिवियन थॉमस ने 31 रनों की तूफानी पारी खेली 19 गेंदों में और भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों भारतीय टीम 5 विकेटों से अंतिम ओवरों में मुकाबला हार गई, जहां अंतिम ओवर में वेस्ट इंडीज ने 10 रन लगाए 6 गेंदों पर नो बॉल के चलते। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन से कारण की वजह से भारतीय टीम में मुकाबला हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा T20I मुकाबला। दोस्तों रोहित शर्मा और निकोलस पुरन एक और बार आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों टॉस की हालचाल अगर हम आपको बताएं तो निकोलस पुरन ने टॉस को उछाला और निकोलस पुरन ने टॉस भी जीता, जिसके चलते निकोलस पुरन ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला और भारतीय टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। एक और बार रोहित और सूर्य कुमार यादव आए सलामी बल्लेबाज बनकर, लेकिन पहली गेंद पर इस तरह से शॉर्ट गेंद पर फंसाया मैकॉय ने रोहित शर्मा को। बल्ले का एज लेकर सामने खड़े फील्डर के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हो गए कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 0 रन बनाकर। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके पास दूसरे सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका नाम था सूर्य कुमार यादव और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इन दोनों की भी जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोस्तों मैकॉय की इस गेंद पर बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज बैठे सूर्य कुमार यादव और पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हो गए सूर्य कुमार यादव भी। 11 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते सूर्य कुमार यादव आउट हुए और दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोस्तों उनके बाद ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप सोल्जर जोसेफ की इस गेंद पर। सामने खड़े डिवियन थॉमस को अपनी कैच से बैठे श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ऋषभ पंत ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन वो भी गलती से अपनी विकेट गवा। दोस्तों ऋषभ पंत अकील हुसैन की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए ओडियन स्मिथ, जिसके चलते ऋषभ पंत भी 24 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और 60 रन पर 4 बड़े विकेट गिर गए भारतीय टीम। जी हां दोस्तों 60 रन हो चुके हैं, 8 ओवर हो चुके हैं, भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके हैं। ऐसे में जाडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप हो ही रही थी और एक छोटी साझेदारी इन दोनों के बीच में बन रही थी, तभी हार्दिक पांड्या फंस गए होल्डर की शॉर्ट गेंद पर। शॉट तो बड़ा खेल बैठे हार्दिक पांड्या, लेकिन गेंद गिरी सीधा ओडियन स्मिथ की गोदी में इस तरीके से जाकर, जिस गलते हार्दिक पांड्या 31 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों
के बाद मैदान पर दिनेश कार्तिक आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ दे रहे थे हमारे साथ जाडेजा। तभी जाडेजा भी उबिद मैकॉय की इस गेम का हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए रोमन पोविल, जिस गलत इस मुकाबले में साथ जाडेजा 27 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद अब भारतीय टीम की रन की गति को आगे बढ़ाने का जिम्मा दिनेश कार्तिक के ऊपर था। तभी जल्दी रन बनाने के चक्कर में उबिद मैकॉय की इस गेंद को पीछे खेल बैठे कार्तिक और होल्डर ने डाइव मारकर शानदार कैच लपक ली और बड़ी विकेट मिली वेस्ट इंडीज को। खतरनाक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 7 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों के बाद ताश के पत्तों की तरह बह गई पूरी भारतीय टीम। उबिद मैकॉय की इस गेंद पर ओडिया स्मिथ को कैच देकर 10 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए रविचंद्रन अश्विन आउट होकर रह गए। दोस्तों के बाद भुवनेश्वर कुमार भी मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए और अंतिम विकेट गिरी आवेश खान की, जो इस तरह से बोल्ड होकर रह गए आखिरी ओवर में होल्डर के हाथों, जिस गेंद से भारतीय टीम मात्र 138 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खतरनाक फास्ट गेंदबाज उबिद मैकॉय ने 6 बड़े विकेट निकाले 4 ओवर में, जिसके चलते भारतीय टीम मात्र 138 रन पर ही ऑल आउट हो गए वेस्ट इंडीज के हाथों। दोस्तों उबिद मैकॉय ने अकेले ही 6 बड़े विकेट निकाले सिर्फ 17 रन देकर अपने 4 ओवर में। टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों वेस्ट इंडीज को जो शुरुआत की दरकार थी वही दिलाई काइल मेयर्स और उनके साथ पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों की शुरुआत में ही जमकर पिटाई की। एक तरफ से ब्रैंडन किंग लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और काइल मेयर्स दूसरे हैंड से क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत ही 5 ओवरों में ही भारतीय टीम के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज परेशान कर रहे थे भारतीय टीम को, लगभग 50 रनों के आसपास की साझेदारी भी हो चुकी थी सलामी जोड़ी की। तभी रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लगाया काइल मेयर्स के सामने। दोस्तों आते ही हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर स्वीप शॉट तो खेल बैठे काइल मेयर्स, लेकिन गेंद पीछे जा रही थी और बाउंड्री पर अश्विन ने शानदार कैच लपक ली, जिस गलत इस मुकाबले में पहले भी इस गेंद मिली भारतीय टीम को और पहली सफलता मिली काइल मेयर्स के रूप में। 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते काइल मेयर्स आउट हुए। उनके बाद मैदान पर कप्तान निकोलस पुरन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इस मुकाबले के असली विलन बने भारतीय टीम के लिए ब्रैंडन किंग, जो शुरू से इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, अर्धशतक तक पहुंच चुके थे और निकोलस पुरन खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में कप्तान निकोलस पुरन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे सेट हो चुके पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग। दोस्तों दोनों के बीच में एक छोटी मोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी अश्विन की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे निकोलस पुरन, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जो और कोई नहीं जाडेजा ही निकले, जिसके चलते निकोलस पुरन 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते कप्तान आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए शिमरॉन हेतमायर। दोस्तों 2 विकेटें जा चुकी थी और वहीं पर दूसरे सलामी बल्लेबाज जो कि ब्रैंडन किंग तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। जी हां दोस्तों, ब्रैंडन किंग ने दूसरे T20I मुकाबले में दशक लगाया और उनका साथ दे रहे थे शिमरॉन हेतमायर। तभी इनके सामने जाडेजा आ गए। जाडेजा की इस गेंद को टच तो किया शिमरॉन हेतमायर ने, लेकिन उन्हीं की गोदी में मार बैठे इस तरीके से गेंद और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए साथ जाडेजा के हाथों। दिस इस मुकाबले में 6 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए शिमरॉन हेतमायर आउट हुए। 203 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद भी ब्रैंडन किंग तूफानी बल्लेबाजी करते रहे और उनका साथ देने आए डिवॉन थॉमस। ऐसे में ब्रैंडन किंग सेट हो चुके थे और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे मुकाबले का रुख बदल कर रख देंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें उसी के बाद इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए आवेश खान की गेंद पर ब्रैंडन किंग और भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिली। सेट बल्लेबाज ब्रैंडन किंग 68 रन बनाकर 52 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रोमन पोविल, लेकिन इस ज्यादा मैदान पर टिक नहीं पाए। अर्षदीप सिंह की इस गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते इस मुकाबले में रोमन पोविल 5 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान पर ओडियन स्मिथ और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे डिवॉन थॉमस। दोस्तों इन दोनों की पार्टनरशिप में बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन इस मुकाबले के असली हीरो बने और कोई नहीं डिवॉन थॉमस, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज से आखिरी 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी और आवेश खान को टारगेट किया डिवॉन थॉमस ने और पहली गेंद पर तूफानी तरीके से छक्का लगाया और उसकी अगली गेंद पर चौका लगाकर नो बॉल पर वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से मुकाबला जीता दिया। जी हां 205 विकेटों से वेस्ट इंडीज की टीम ने शानदारी मुकाबला 19वें ओवर में जीता 4 गेंदें बाकी रहते हुए। दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी अंतिम ओवरों में, लेकिन वेस्ट इंडीज ने मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया, जिस गलत वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से भारतीय टीम में मुकाबला हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाए। दोस्तों ऋषभ पंत का तूफान आ चुका है भारतीय टीम के साथ। जी हां दोस्तों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज के दूसरे T20I मुकाबले से ठीक पहले हुआ कारनामा, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है धवन और रोहित में से कौन सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज है, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अभी खबर आई है कि ऋषभ पंत ने नेट्स में भयंकर बल्लेबाजी की है और दूसरे T20I मुकाबले से ठीक पहले ऋषभ पंत का कहर वेस्ट इंडीज के ऊपर बरस चुका है। दोस्तों हमारी भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर तहलका मचा दिया है। आइए आपको कुछ झलकियां दिखा देते हैं, जहां ऋषभ पंत ने नेट्स में आज 71 रनों की तूफानी पारी के लिए, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में। दोस्तों ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी से पूरा वेस्ट इंडीज हिल गया है। ऐसे में ऋषभ पंत जब जब भारतीय टीम में तूफानी लय में आ जाते हैं बल्लेबाजी के लिए, तब तब सामने वाली टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक कारनामा ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ भी किया था तीसरे ODI मुकाबले में, और आज भी ऋषभ पंत का वही रूप हम सभी को नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आज ऋषभ पंत दूसरे T20I मुकाबले में सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों आज के नेट सेशन की प्रैक्टिस में ऋषभ पंत ने 71 रनों की तूफानी पारी खेली है, वो भी सिर्फ
25 गेंदों के आसपास, जिसमें ऋषभ पंत ने 5 तूफानी छक्के व 2 तूफानी चौके लगाए हैं। ऋषभ पंत की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते वो मैच से पहले ही काफी ज्यादा चर्चे में आ चुके हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ऐसी होती है जिसे देख सभी की आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती है। ऋषभ पंत के आज के